बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तें राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की भजन 77। प्रभु मेरा दिनों का दातारा है, रखवारा है, ओ रखवारा है, ओ रखवारा है, ओ रखवारा है। दुख दूर करे सब पाप हरे, जो मन में हरि का ध्यान धरे, ओ जो मन में हरि का ध्यान धरे। ऐसा योग क्षेम और मोक्ष का भंडारा है, रखवारा है, ओ रखवारा है। देशांत सुमत गुण ज्ञान शक्त, जो राखे मन में भाव भगत, जो राखे मन में भाव भक्त, वो शरण आए को निर्भय करने हारा है, रखवारा है, हो रखवारा है। ओ धन दान देत, सुख शान देत, और सर्व पदार्थ दान देत, और सर्व पदार्थ दान देत। कहते हूँ सर्व जगत आधारा है, रखवारा है, हो रखवारा है। प्रभु मेरा दिनों का दातारा है, राग भैरवी भजन 77। रखवारा है प्रभु मेरा दीनों का दातारा है। प्रभु परमात्मा अपने भक्तों के शरणागत जिज्ञासु के रक्षक हैं, और जो दीन हैं उनको निर्भयता का दान, उनके ऊपर दया करुणा करने वाले ईश्वर परमात्मा हैं। जो उनकी शरण लेता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं, मन से पापमयी वृत्ति की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन जो उनका ध्यान करे, जिसके मन में केवल प्रभु परमात्मा बसते हैं, उसका मन पाप कर्मों की तरफ नहीं जाता। ईश्वर परमात्मा के अमृतमयी वचन है, तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेम वहम्यहम्। जो मेरे भक्त हैं, जिन्होंने अपना मन मुझ में लगाया, उसका योग क्षेम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, प्राप्त वस्तु की रक्षा करना मेरा काम है। तो सब प्रकार के योग क्षेम का वहन और मुक्ति का दान देने वाले परमात्मा है, जो शांति और सुमति सद्बुद्धि का दान देते हैं। गुण ज्ञान शक्ति, सदगुण और ज्ञान की प्राप्ति उस ईश्वर की कृपा से होती है, जो मन में भावना रख करके उनकी भक्ति करता है। जो उनकी शरण जाता है वो निर्भयता को प्राप्त हो जाता है। सांसारिक सुख है वो भी उसे प्राप्त होता है, पारलौकिक उद्धार भी उसका हो जाता है। धन धान देत, सुख शान देत, मान सम्मान धन धान्य सर्व पदार्थ की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से होती है, क्योंकि वही सारे संसार के आधार है।
तो इस भजन में श्री गुरु महाराज जी उपदेश दे रहे हैं कि उनकी शरण लेकर अपने मन को उनके पावन चरणों में लगाओ। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी
सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा परवाणी हिंदी अमरा परवाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।